क्योंकि लोगों को लगा कि ये हमारा विकास कर सकते हैं। और इसलिए जहां तुम अच्छा काम करोगे, विकास का काम करोगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वहां लोग अपने साथ आने वाले हैं। और इसलिए ये जो कॉन्क्रीट काम है, ये करने की प्रेरणा हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के मन में सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय देकर निर्माण करना, ये हमारा पहला काम है। इसके लिए हमारा ऐसे वर्कशॉप से ये विचार लोगों तक जाएगा। और दूसरी बात, ऐसे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को एक शहरी एक ग्रामीण, सरकारी काम का हमें अभी विचार ना करें। सरकारी काम में मंत्रियों ने क्या करना चाहिए हमारे गुड गवर्नेंस सेल में लोग सोचेंगे, पर जब हम कार्यकर्ता है लोगों से मदद लेकर, अभी एक कितना उदाहरण था देखो, एक पुणे में एक लड़का क्या करता है, अखबार की रद्दी इकट्ठा करता है रोज, और महीने में 1,00,000 किलो रद्दी इकट्ठा करता है जिसकी कीमत 7,00,000 रुपये होती है। और 7,00,000 रुपये की दवाई या गरीबों की सेवा के लिए 7,00,000 रुपये खर्चा करते, इसमें क्या कठिन काम है। अगर हमारे कारपोरेटर ने अपने वार्ड में तय किया कुछ नहीं तो मैं रद्दी इकट्ठा करूँगा और उसको बेचूंगा तो महीने में 2-3 लाख रुपये मिलेंगे, और 2-3 लाख रुपये से अगर हमारे मोहल्ले में रहने वाली गरीब लड़की लड़कियां जो पढ़ नहीं सकते उनको यूनिफॉर्म सिला कर दिए, उनको हमने किताबें लेकर दी, उनको हमने स्कूल जाने के लिए साइकिल दे दिया, अगर तो कितना बड़ा काम होगा, कितना बड़ा काम है। अब कोई भी किसी के पास जाइए आप, रद्दी मांगेंगे तो कोई भी देगा, तो तुम्हारे महीने भर की रद्दी हमको दे दो, उसको बेचो और उस पैसे से ऑपरेशन हो सकते हैं, दवाइयां दी जा सकती है, कितने गरीबों का कल्याण हो सकता है। जो शांता कुमार जी ने कहा वो बात सही है कि हमारे यहाँ अमीर और धनवान लोगों की लिस्ट वर्ल्ड में हमारे लोग बढ़ रहे हैं, पर कितना, एक छोटा सा अभी ये 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। तो मैं अपना थोड़ा सा इकोनॉमिक का स्टूडेंट हूँ तो मैं सोचा कि इसका अगर सही में अगर गरीबों के लिए फायदा किया जाता तो पर कैपिटा इनकम GDP अगर बढ़ाने के लिए इसका उपयोग होता तो इसका सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट कितना होता। तो 1,76,000 करोड़ अगर बचते और गरीबों के घर में जाते तो इससे कम से कम 20 करोड़ लोगों की गरीबी रेखा के ऊपर आ जाती, इतनी ताकत 1,76,000 करोड़ रुपये में है। ये हो सकता था, ये नहीं हो रहा। और इसलिए ऐसे अनेक जगह पर पैसे की कमी नहीं है, पैसा और टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है, इच्छा शक्ति की जरूरत है, और वो भी इच्छा शक्ति नैसर्गिक चाहिए, राजनीतिक नाटकबाजी नहीं चाहिए, वो करो मत। क्योंकि ये शहरों में, जो बड़े शहरों में लोग हैं, इनका नाटकबाजी पर बहुत विश्वास है, फोटो निकालो, ये करो, ये मत करो। अगर सेवा करनी है तो नैसर्गिक भाव से, संवेदनशील मन से, ईमानदारी से सेवा करने का काम करो, आपको उसके फल निश्चित रूप से मिलेंगे। और इसलिए ये जो कार्य है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको बताया, नानाजी देशमुख जी ने इतना अच्छा किया कि भी मैं अनेक जगह पर ये बोल रहा हूँ, परसों जिला पंचायत का भी इस बार इतने चित्रकूट में कार्यक्रम हुए कि ना जिला पंचायत के अध्यक्ष 210 हमारे 180 लोग 2 दिन वहाँ थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। रामलाल जी और हम चित्रकूट में थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि BJP के हर कार्यकर्ता ने आपके परिवार को ले जाओ और एक बार 2-3 दिन चित्रकूट के लिए एक टूरिज्म के रूप में समझो, लगे वहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ के प्रकल्प देखो, आयुर्वेदिक कॉलेज है, नेचुरोपैथी का कॉलेज है, पानी जल संवर्धन की योजना है, स्वास्थ्य की योजना है, एजुकेशन की व्यवस्था है, गौशाला है, गौशाला में से गौमूत्र से फिनाइल तैयार करते हैं, गोबर से और चीज़ें तैयार होती है, सब प्रकार के प्रयोग है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट तैयार करने की है, मेकेनिकल इंजीनियरिंग का रिसर्च वहाँ कार्यक्रम है, किसी बात के वहाँ अगर इतना सुंदर है कि वो जैसे आजकल कारपोरेट में बैठते हैं ना तो 5-star होटल में चॉकलेट देते हैं, तो उन्होंने कैंडी तैयार की आंवले की, इतनी सुंदर है कि आप खाओगे तो खाना इतना 10 बार खाने की इच्छा होती है, इतनी सुंदर है। अगर उसको 5-star में गया तो कोई भी करेगा। वहाँ एक छोटा सा फल है वो खाने के लिए, उसके अंदर चारोड़ी होती है, उसका नाम मुझे नहीं मालूम हिंदी में क्या कहते हैं उसको, वो जो गोल वाला ऐसा चेरी टाइप ऐसा छोटा सा है, वो खाओ तो इतना सुंदर लगता है, वो जंगल से आता है, नेचुरल है। अब ऐसी कितनी चीज़ें हैं कि हम ये कर सकते हैं। हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से बस्तर जिले में कोसा के ऊपर कितनी अच्छी साड़ियाँ तैयार होती हैं,
मेटल क्राफ्ट में कितना अच्छा छत्तीसगढ़ में काम होता है। अब मुझे याद है कि जेट एयरवेज में पहले वो इमली का चॉकलेट मिलता था, वो शक्कर डालकर, उसमें ब्रांड नेम नहीं था। मैंने एग्जीक्यूटिव क्लास में देखा, बड़े बड़े लोग आते थे और एयरहोस्टेस बोलते थे जरा पैक करके पैकेट में दे दो, उसके ऊपर किसी इंटरनेशनल ब्रांड का नाम नहीं था, ब्रांड नहीं था, फिर भी वो इमली का चॉकलेट लोग खाते थे। इस बार मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ में 600 करोड़ रुपए की इमली बेची गई। तो मैंने उनको पूछा कि 600 करोड़ की इमली अगर आपने बेची है तो उसका सीड जो निकलता है उसका क्या किया? बोले क्यों, बोले मुझे दो, मैं खरीदता हूँ 8 रुपए 10 रुपए किलो से। बोले क्यों, बोले इससे डीजल बनता है। डीजल, अब नॉन एडिबल ऑयल सीड से डीजल बनता है, कोई कठिन बात नहीं, मैं खुद हमारा बनाता हूँ। अब मुझे बताइए, इतना अगर ये हमारे वनवासी क्षेत्र में अगर हमारे वनवासी बंधुओं को रोजगार मिलेगा तो कौन नक्सलाइट बनेगा? अगर उसको जीने का मार्ग अगर सम्मानपूर्वक मिलेगा तो कोई नहीं जाएगा। और इसलिए ये जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए राजनीतिक कार्यकर्ता करके जिम्मेदारी का एहसास होना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल सेंसिटिवनेस की एक प्रकार से हमारे बीच में एक संवेदनशीलता पैदा हो और ऐसे काम करने वाले हजारों लाखों कार्यकर्ता तैयार हो। मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण समय ये काम करिए, आपके पूरे कार्य में 1/10 समय इसके लिए दीजिए, 1/10, बाकी 90% आप रोज भाई और बहनों झंडा लगाओ, इधर जाओ उधर जाओ, मुर्दाबाद जिंदाबाद सब करो, 10% केवल समय दो। अगर उतना भी समय अगर आपने कोई स्कूल बच्चों के लिए गरीबों के लिए दिया तो आपका मन प्रसन्न होगा, आपको काम करने की ऊर्जा मिलेगी। और मैं आखिर में एक बात कहकर मेरा भाषण खत्म करता हूँ, मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और बहुत बार मैं ऐसे रोता था। एक मेरे जीवन में घटना हुई, जब लगभग मैं तय कर चुका था कि अब मैं ये काम करूँगा, तो एक लड़का मेरे बच्चे के स्कूल में था, उसको 12th में 85% मार्क मिले, मेरे लड़के को कम मिले, उसका मित्र था। उसकी माँ जो थी वो बर्तन मांजने का काम करती थी और पिताजी फुटपाथ पर बैठते थे, धंधा करते थे। बड़ी खुशी हुई, लड़के ने उसको मुझे आया मिला के दिया। मैंने कहा उसको, कहा हमारे लड़के को, अरे तुमको तो 55% मार्क मिले, तुम्हारे पास टेबल है, लाइट है, किताब है, सब कुछ है, और उसको देखो बेचारे को तुम्हें उसको मिले, बड़ा उसका अभिनंदन किया। 10 दिन के बाद उस लड़की की तबीयत बिगड़ गई, और तबीयत बिगड़ने के बाद उस लड़के को मेडिकल कॉलेज में, हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया। तबीयत बिगड़ने लगी तो कुछ दिनों के बाद वो मेरा लड़का मुझे आया कि भाई इसकी तबीयत बहुत खराब है, कुछ तो भाई आप डीन से बात करो। मैंने डीन से बात की, डीन ने उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट की, और 3 दिन के बाद मैं एक बार हवाई जहाज से उतर रहा था तो मुझे उनका फ़ोन आया, तो मैंने उनसे बात की। उनने कहा कि नितिन जी आई एम वेरी सॉरी। बोला क्या हुआ? बोले लड़के को ब्लड कैंसर है ऐसा मुझे लग रहा है, इसको मुंबई लेके जाओ। फिर मुझे लगा मैं उसको मुंबई लेके गया, और उस समय मलबार हिल पर मेरा बंगला था, लीडर ऑफ ऑपरेशन था मैं, और मैंने अपने घर में रखा। और मैं, मेरे घर में एक हॉल ही था जो पेशेंट के लिए था, तो उसको लोग वार्ड बोलते थे, तो वो पूरे घर वाले रहे। और फिर उसको ट्रीटमेंट वो डॉक्टर अडवाणी जी ने दी, मैंने उनसे बात की, और उसके ट्रीटमेंट के लिए भी 7-8 लाख रुपए खर्चा आया, जबकि मैं कंसेशन में कर रहा था, वो पैसे की व्यवस्था मैंने की। और वो लड़का ट्रीटमेंट लेते लेते एक दिन सुबह, मैं जब सुबह 6:40 पर मुंबई से नागपुर में हवाई जहाज रहता था, और मैं सोचता था कि मेरा 1 मिनट भी नींद कम ना हो, क्योंकि रात को लेट सोता था, तो बराबर 6:05 पर मुझे उठाता था, 6:15 पर मैं गाड़ी में बैठता था, और बराबर एयरपोर्ट में 1-2 मिनट पहले प्लेन के अंदर जाता था। तो उतने में मैं एक दिन उठा तो देखा तो वो उसके माता पिता ग्रैंडफादर मदर सब आए। ले आज हमको खुशी के आंसू हमारे इससे निकल रहे। तो जब उसका ग्रैंडफादर करीब उनकी उम्र अभी वो गुजर गए, वो 70-75 साल के होंगे, उनके रोते रोते उनके आंसू मेरे सैंडल पर, बीच में गैप है उसमें, पड़कर मेरे पैर को उसका उसके आंसुओं का स्पर्श हुआ, और मुझे भी रहा नहीं गया, मेरे भी आंखों में आंसू आए, पर मैं तुरंत गाड़ी में बैठ के निकल गया। और वो दिन मुझे याद करता रहा। मैंने एक बार BBC को इंटरव्यू में पूछा था, उन्होंने कि आपने एक्सप्रेस हाईवे बनाया, फ्लाईओवर बनाया, तो आपका आनंद का क्षण कौन सा है?
तो मैंने कहा कि ये जो उसके जो ग्रैंडफादर थे उनके अश्रु जिस दिन मेरे पैर को स्पर्श किए, दैट इज द, ये मेरे जीवन का सबसे आनंद क्षण है और उससे मुझे ऊर्जा मिली कि नहीं काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये राजनीति में दुखी लोग ही है सर, जो MLA वो भी दुखी है, MP भी दुखी है, मंत्री भी दुखी है, दुखियों का मेला ही लगा हुआ है सभी पार्टियों में, क्योंकि जो कारपोरेटर है वो इसलिए दुखी है कि वो MLA नहीं बना, MLA दुखी इसलिए कि MP नहीं बना, MP इसलिए दुखी है कि सरकार नहीं आई, मंत्री नहीं बना, और मंत्री दुखी है वो मुख्यमंत्री नहीं बना, और कोई दुखी है तो जो जिसको मिलता वो भी दुखी दुखी है, यहाँ कोई खुशी लोग दिखते तो क्योंकि समाधान जो है वो मानने पर होता है, नहीं तो तुम कुछ भी होने के बाद दुखियों की कमी नहीं है, सभी पार्टियों में दुखियों के हाथ में बहुत हो। अब प्रश्न ऐसा है कि ये काम अगर होगा और इससे जब अच्छा कोई काम होगा तो इसका जो मन के लिए आपको जो शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, ये आपको राजनीति के धक्कों में काम करने की प्रेरणा देता रहेगा, एक उत्साह देता रहेगा। और इसलिए आप सब राजनीति का काम संभाल कर भी धीरे धीरे हमारे MLA, हमारे MP, हमारे सब कार्यकर्ता सेवा विकास के छोटे छोटे काम करें, जितनी क्षमता होगी करें, और हम एक समाज में जो गुणात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं, जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें भी हम यशस्वी होंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे हमारे नेताओं ने जो विचार हमको दिया है उसके आधार पर हम निश्चित रूप से समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। और इसीलिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है, वेबसाइट है, अभी किताबें निकली हुई है, इसका विस्तार होना चाहिए और इस कार्य को और शक्ति के साथ बढ़ाना चाहिए। आप आपके शहर में, आपके ज़िले में, आपके राज्य में अलग अलग प्रकार से इस कार्य को बढ़ाइए, आप भी काम करिए और हजारों अपने कार्यकर्ताओं को भी ये काम करने की प्रेरणा दीजिए। इससे हमारे सामाजिक दायित्व का जो है वो भी पालन होगा और पार्टी की राजनीतिक विश्वासार्हता और पॉपुलरिटी में बढ़ोतरी होगी। इसलिए इस कार्यक्रम को और अच्छी तरीके से आप सब लोग चलाइए, यही आपको मैं शुभेच्छा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।